एक खतरनाक आदमी भगवंत केसरी की कहानी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक जज दिखाया जाता है जो डर के मारे एक स्लम एरिया में छुपा था क्योंकि उसने रूलिंग पार्टी के खिलाफ जजमेंट दे दिया था और गुंडे उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। एक वकील आता है, वो सबको पुणे ले जाने के लिए तैयार था। जज और उसकी फैमिली डरी हुई थी, उन पे हमला हुआ था। वकील कहता है, तुम्हें हिम्मत देने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ जंगल के बेटे भगवंत केसरी की। और सीन पास्ट में जाता है, एक बड़े अमीर आदमी जो कि एक्स पार्टी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, उसे रूलिंग पार्टी वाले जेल में भिजवा के मरवाने वाले थे। नए कैदियों के जरिए गुंडे आदमी को मारने के चक्कर में भगवंत की स्त्री के जेल में जाते हैं। जेलर डरा हुआ था कहीं आदमी मारे ना जाए, पर भगवंत केसरी गुंडों को रोकता है और कहता है, तुमने बूढ़े आदमी की बाल्टी पे लात मारी, उसे चुपचाप पानी भरने दो वरना तुम सब गए। गुंडे नहीं सुनते, वो भगवंत को मारने आते हैं लेकिन भगवंत सबको मारता है और वो बूढ़ा आदमी बाद में पानी भरता है। गुंडे आते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता था, वो उस आदमी को मारने की कोशिश करते हैं। भगवंत उन्हें भी मारता और सारे गुंडों को पता था बूढ़ा आदमी तो बहाना था आदमी को बचाने के लिए। और जेलर भगवंत से इंप्रेस होता है, उसकी बेटी भी उसे पसंद करने लगती है। जेलर की बेटी का नाम विजी था, वो भगवंत के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है, भगवंत को भी अच्छा लगता है। बाद में भगवंत की माँ मरने वाली थी, वो लास्ट बार अपने बेटे को देखना चाहती थी लेकिन पुलिस वाले परमिशन नहीं दे रहे थे और जेलर अपने रिस्क पे भगवंत को उसकी माँ से मिलवाता है। भगवंत खुश होता है बाद में उसकी माँ मर और विजी उसे खाना देती है और वो कहती है, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। भगवंत को ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। और जब काफ़ी टाइम तक जेलर नहीं आता, भगवंत पुलिस वाले से पूछता है और पुलिस वाला बताता है, जेलर को सस्पेंड कर दिया था तुम्हें बाहर ले जाने की वजह से, उसने तुम्हें ये बात बताने से मना किया था और जेलर ने 15 अगस्त को कैदियों को छोड़ने को कहा था। भगवंत का नाम भी दिया था और भगवंत जेल से छूटता है। वो जेलर से मिलने आता और कहता है, अगर मुझे पता होता कि आप सस्पेंड होते तो मैं माँ से मिलने नहीं जाता। जेलर कहता है, मुझे माँ से बिछड़ने का दर्द पता है इसलिए किया। और जेलर बाहर जा रहा था, वो भगवंत से उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहता है। भगवंत मानता है लेकिन जेलर का एक्सीडेंट होता है बच्चों को बचाने की वजह से और वो मर जाता है। विजी को शौक लगता है, उसे डर के मारे पैनिक अटैक आता है। भगवंत उसका ख्याल रखता है अपनी बेटी की तरह और उसे याद आता है। जेलर ने बताया था कि उसकी वाइफ एयरफोर्स में थी लेकिन फैमिली के लिए उसने जॉब छोड़ दी थी और विजी को जन्म देते ही वो मर गई थी। इसलिए जेलर अपनी बेटी को आर्मी ऑफिसर बनाना चाहता था और इसीलिए भगवंत भी विजी को आर्मी ऑफिसर बनाना चाहता था। और ऐसे ही विजी बड़ी होती है भगवंत के साथ खुशी से रहकर। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था लेकिन एक दिन विजी एक पुलिस वाले की कार ठोक देती है गलती से और विजी की दोस्त की आंट कैथियानी आती है पुलिस स्टेशन। वो लड़कियों को छोड़ने के लिए कहती है। पुलिस वाला अपने ऑफिसर के हाथ में नाखून लगवाता है कैथियानी का और उसे भी फंसाता है। भगवंत आता है गुस्से में, पुलिस वाला उसके सामने विजी से बदतमीजी करता है और उसे रात में शॉर्ट्स पहन के आने के लिए कहता है। भगवंत उसके पेट पे आग लगा के चाय गर्म करता है, उसे डरा देता है और विजी को लेकर जाता है। कैथियानी की शादी नहीं हुई थी, वो भगवंत को देखते ही उससे प्यार करने लगती है। हमें मूवी का विलन राहुल दिखता है जिसका एक पैर नहीं था। मिनिस्टर और सीएम आते हैं उसके पास क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर को पता चल गया था कि पोर्ट में वो कई दवाइयों के नाम पर ड्रग्स की स्मगलिंग भी कर रहा था। राहुल के साथ वो राहुल को इस चीज से निकालने के लिए कहते हैं। राहुल प्रोजेक्ट वी मांगता है, सीएम हैरान होता है क्योंकि यह बहुत मुश्किल था। राहुल को इंडिया के सारे पोर्ट चाहिए थे ताकि वो इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाए पैसों के मामले में। वो कहता है, इस दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट ही सरवाइव करता है, सीएम को मानना पड़ता है। और राहुल सारे ऑफिसर्स को मरवा जो पोर्ट के आसपास आते हैं वो सबको मार देता था। वो अपने बेटे तक को शिप में मरवा देता है बाकी ऑफिसर्स के साथ क्योंकि उसका बेटा ये काम नहीं कर पाता इसलिए। और दूसरी तरफ भगवंत विजी से बहुत ट्रेनिंग करवाता है, विजी आर्मी का फॉर्म नहीं भरती और वो हर साल बहाना बनाती है। और भगवंत कैथियानी से मदद मांगता है विजी को समझाने के लिए। कैथियानी विजी को सच बताती है कि वो भगवंत को पसंद करती है। विजी खुश थी, वो उसका साथ देने के लिए तैयार होती है। और कैथियानी विजी को समझाने के बहाने से भगवंत के साथ टाइम स्पेंड करती है, उससे फ्लर्ट करती है और कहती है, क्या तुमने किसी से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी है? भगवंत कहता है, हाँ एक दिन मैं अपनी कजन के साथ बाहर गया था। लेकिन भगवंत उसके आगे का नहीं बताता। कैथियानी पूछती है बार बार, भगवंत कहता है, मैं उसके क्लोज आया, उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल की बात कही। कैथियानी कहती है, क्या? भगवंत बताता है, ये कोई फालतू बात नहीं, खलती है, इसलिए कैथियानी उस पर गुस्सा करती है। और बाद में डिप्टी सीएम राहुल को प्रोजेक्ट वी नहीं देना चाहता था, राहुल उसे मार देता है सबके सामने।
और सारे मिनिस्टर झूठ कहते हैं कि वो तो स्ट्रेस की वजह से मरे हैं। विजी भगवंत की ट्रेनिंग से परेशान होती है। कात्यायनी विजी को फॉर्म भरने के लिए कहती है, आर्मी को फिजिकल में फेल होने के लिए कहती है। विजी खुश होती है और कात्यायनी भगवंत से कहती है कि अब तुम फिजिकल में फोकस करो इसके। भगवंत भी कात्यायनी को पसंद करने लगता है। एक दिन कॉलेज में विजी को एक लड़का छेड़ता है, उससे किस मांगता है। विजी कंप्लेंट करती है, लड़के को सस्पेंड किया जाता है। अगले दिन लड़के के पापा गुस्से में आते हैं, वही थे जो भगवंत की कहानी सुना रहे थे जज को। वो प्रोफेसर को मारते और कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सस्पेंड करने की। वो विजी को एक रात के लिए बुलाते हैं। विजी परेशान थी, डरी हुई थी। भगवंत समझ जाता है। वो विजी के दोस्त से गुस्से में पूछता है क्या बात है, और भगवंत गुस्से में वकील के घर जाता है और वकील उससे नहीं डरता। वो कहता है, तू मुझे नहीं जानता, मैं सीएम तक को जानता हूं। भगवंत गुस्से में कहता है, तूने भीमसेरी मेस्कार के बारे में सुना है। वकील डर जाता है। भगवंत कहता है, जो भी उसके बारे में बताता है ना, उसकी रूह कांप जाती है। सोच, वो मेस्कार मैंने किया है। और सीन पास्ट में जाता है, गुंडे जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर को मार रहे थे। फॉरेस्ट ऑफिसर का बच्चा भागते हुए भगवंत केसरी से मदद मांगता है, और भगवंत वहां का पुलिस वाला था, वो सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है। पूरा जंगल खून से लाल हो जाता है और सीन प्रेजेंट में आता है। भगवंत कहता है, आज तक जंगल खौफ में है इतना वायलेंस देख के। आदमी अपने अचीवमेंट से जाना जाता है, और मेरे अचीवमेंट ही काफी है। वकील उसके पैर पकड़ के माफी मांगता है। वो विजी से भी माफी मांगता है। डिप्टी सीएम को मारते वक्त पीए ने देख लिया था। वो मीडिया को बताना चाहता था, उसके सारे जान पहचान वालों को राहुल मरवा देता है। वो उसके पीछे भी पड़ा था, लेकिन पीए के पास जो एविडेंस थे, उसे डर था कहीं वो इसे खोना दे। उसकी जान को खतरा था, गुंडे उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। वो कैफे शॉप में विजी को लैपटॉप के साथ देखता है। वो जल्दी से उसके लैपटॉप में फाइल कॉपी करता है बहाने से, लेकिन राहुल के गुंडे देख लेते हैं। विजी का बॉयफ्रेंड अपने परिवार वालों के साथ आता है रिश्ता लेकर। लड़के के पापा अमीर थे, वो भगवंत की परमिशन भी नहीं लेना चाहते थे। भगवंत कहता है, पहले इसे कुछ अचीव करने दो। लड़के के पापा कहते हैं, ये अचीव करके क्या करेगी, हमारे पास बहुत पैसा है। वो विजी की बेइज्जती करता है। भगवंत उसे मारता है। विजी का बॉयफ्रेंड गुस्से में विजी से कहता है, अगर तुम हमारी शादी चाहती हो तो तुम्हें भगवंत को छोड़ना होगा, ये तुम्हारा बाप भी नहीं है। विजी उदास होकर भगवंत को उससे दूर रहने के लिए कहती है, और भगवंत को बुरा लगता है, लेकिन वो दिल पे नहीं लेता। विजी उसे इग्नोर करने लगती है, और गुंडे विजी के घर जाते हैं उसे मारने, लेकिन वो भगवंत को देख के कांप जाते हैं। और जिस दिन वो मेस्कार हुआ था, उस दिन एक गुंडा बच गया था। वो बाकी उसे डरते हुए कहता है, हमें लड़की को भगवंत से अलग करना होगा, यही एक तरीका है। एक गुंडा विजी के बॉयफ्रेंड का दोस्त था, वो विजी से झूठ कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बुला रहा है, और भगवंत उसे जाने से बहुत रोकता है, लेकिन विजी नहीं सुनती, और वो गुंडे उसे एक जगह ले जाते हैं और बहुत मारते हैं। विजी डर जाती है। गुंडे उससे पीए के बारे में पूछते हैं कि उसने क्या बताया। विजी को सच में कुछ भी नहीं पता था, और गुंडे उसे और मारते हैं। वो उसे जान से मारने वाले थे, लेकिन भगवंत वहां आता है। वो सबसे कहता है, मैं दो चीजें कभी नहीं चाहता था, विजी की आंखों में आंसू देखना और उसकी बॉडी पे छूट, तुमने दोनों दिखा दिए। मैं दोबारा ऐसा कोई नरसंहार करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने तो अब दोबारा मजबूर कर दिया है मौत दिखाने के लिए। चलो मैं तुम सबको दूसरा जन्म दिलवाता हूँ। और वो सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है, और राहुल सब देख रहा था। वो भगवंत से बात करता और कहता है, कौन है तू। भगवंत कहता है, दोस्त पहचाना नहीं क्या, हमारा रिश्ता पुराना है, मुझे भूल गया क्या, जंगल का बेटा भगवंत केसरी। राहुल का पैर नकली था, वो नाम सुन के लड़खड़ा जाता है। भगवंत कहता है, किस्मत ने हमें फिर मिलवा दिया, अब तो मैं बदला ब्याज के साथ लूंगा, पहले का भी तैयार हो जा। राहुल गुस्से में आता है और सीन पास में जाता है। भगवंत ने जंगल में एमएलए के आदमी को मारा था, वो एमएलए गुस्से में पुलिस को मारता है। भगवंत भी पुलिस वाला था, वो आता है और एमएलए उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन भगवंत उसे मारता है, जेल में ले जाता है। और सीनियर ऑफिसर एमएलए को छोड़ने के लिए कहता है और सस्पेंड करने की धमकी देता है। पूरा स्टेशन डर जाता है, सारे ऑफिसर भगवंत को सस्पेंड करने से मना करते हैं, और वो बताते हैं एक बार डीएसपी ने भगवंत को सस्पेंड किया था एक मिनिस्टर के लिए। भगवंत ने डीएसपी के हाथ में मिनिस्टर का सर लाके दे दिया, और डीएसपी को सुसाइड बोल के केस बंद करना पड़ा, और खौफ के मारे वो भी मारा। भगवंत ड्यूटी पर है तभी वो शांत है, वरना वो काफी वायलेंट हो जाता है। सीनियर ऑफिसर और एमएलए डरते हैं, और हमें पता चलता है एमएलए का बेटा राहुल था, वो अपने पापा को जेल से छुड़वाता है, लेकिन उसके पापा भी हार्ट अटैक से मारे जाते हैं जेल के बारे में सोच के।
और राहुल भगवंत के बहनों को मारता है और उसके गांव के लोगों को मारने लगता है। भगवंत राहुल का पैर काटता है और राहुल उसे गोलियों से मारता है और सारी मौतों का इल्जाम उस पर डालता है और गांव वालों को आई विटनेस बनाने के लिए कहता है, जो मना करता है राहुल उसे मारता जाता है। और एक औरत प्रेग्नेंट थी, राहुल उस लेडी को भी मारने लगता है। भगवंत की मां रोकती है और वो गवाही देने के लिए तैयार होती है और राहुल भगवंत को जेल भिजवाता है। इस वजह से वो जेल में था, राहुल गुंडे भेजता है भगवंत को मारने के लिए। भगवंत सबको मारता है और बस राहुल के घर में घुसा देता है। उसके सामने आता और कहता है, अगर तू जिंदा रहा तो मुझे और मेरी बेटी को जान का खतरा रहेगा, और मैं जिंदा रहा तो तुझे तेरी जान को खतरा रहेगा। मैं तुझे मारना चाहता हूँ लेकिन मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, तू कोई प्लान बना। राहुल कहता तुझे तेरी बेटी के सामने मारूंगा। भगवंत उसके गले में कांच लगाता है और धमकी देकर जाता है। भगवंत विजी को आर्मी ट्रेनर के पास ले जाता है आर्मी ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनर मना करता है क्योंकि उसे लगा था लड़कियां वीक होती है। वो विजी को शादी करके घर का काम करने के लिए कहता है। भगवंत कहता है ऐसा नहीं है। ट्रेनर विजी से रनिंग करवाता है, पुशअप करवाता है और एक लड़के से बॉक्सिंग में पिटवाता है और कहता है, देखा लड़की आर्मी में नहीं जा सकती, वो वीक होती है। भगवंत उस लड़के को मारता है जिसने विजी को मारा था। भगवंत कहता है, अरे ये भी वीक है, 50 साल के बुढ़े को नहीं हरा पाया, ये कहाँ बॉर्डर पे जाएगा, इसे भी घर का काम करना चाहिए। और ट्रेनर समझ जाता है, वो विजी को ट्रेनिंग देता है। विजी का बॉयफ्रेंड विजी को ये सब छोड़ के शादी करने के लिए कहता है और कहता है, तुम ये सब नहीं कर सकती विजी, मैं अपने पापा जैसे भगवंत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भगवंत भी इमोशनल हो जाता है और विजी बहुत ट्रेनिंग करती है लेकिन उससे डर की वजह से वो पीछे रह जाती है। राहुल पुलिस के जरिए भगवंत को अरेस्ट करके अपने गुंडों के सामने लाता है और कैथियानी को अपने पास लाता है और विजी को मारने के लिए गुंडे भेजता है और कैथियानी से पूछता है, कौन ताकतवर है बताओ, मैं या वो, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैथियानी भगवंत का नाम लेती और कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ पैसे की पावर है। और भगवंत पे गुंडे गन पॉइंट करते हैं और भगवंत मजे से चाय पीता है। तब भी हेलीकॉप्टर आता है, उसमें से वही अमीर आदमी निकलता है जिसे भगवंत ने बचाया था। वो अपने सोल्जर्स के जरिए विजी को बचाता है और भगवंत को मशीन गन देता है और कहता है, यही ट्रेंड है। भगवंत कहता है, हमें इससे भी ज्यादा कुछ धमाकेदार चाहिए। वो बहुत सारे सिलेंडर ब्लास्ट करके गुंडों को मारता है और सारे मिनिस्टर भगवंत के पास कॉम्प्रोमाइज करने आते हैं। भगवंत कहता है, राहुल और मेरे में से एक ही जिंदा बचेगा, मैं अपनी बेटी के साथ उससे मिलने जाऊंगा, आप अरेंजमेंट करवाइए। और राहुल अपने गुंडों के जरिए विजी और भगवंत को पिटवाता है और भगवंत जानबूझ के काफी पिटता है ताकि विजी का डर निकले। और भगवंत को गुंडे मारने वाले थे लेकिन विजी भगवंत को बचाती है और गुंडों को मारती है। भगवंत खुश होता है, वह राहुल से लड़ता है। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है लेकिन भगवंत राहुल को मारता है और पूछता है, कौन ताकतवर है बता। राहुल कहता है, भगवंत, और अपने आप को खुद मार देता है और मिनिस्टर पीए को एमएलए बनाते हैं और राहुल की मौत को एक्सीडेंट बताते हैं और विजी आर्मी ऑफिसर बनती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।